एलोन मस्क की टेस्ला कार दुनिया की सबसे प्रोमिनेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल कारों में से एक मानी जाती है और एलोन मस्क खुद ये दावा करते हैं कि इसकी टेक्नोलॉजी को कोई भी हैक नहीं कर सकता। लेकिन रिसेंटली चांद ने टेस्ला की टेक्नोलॉजी को चकमा दे दिया। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली जब एक अमेरिकन निल्सन नाम के टेस्ला ड्राइवर अपनी कार को ऑटो पायलट मोड में या फिर सेल्फ ड्राइविंग मोड में चला रहे थे तो सामने चांद को देख के टेस्ला कार इसे येलो लाइट समझ के बार बार धीमी हो रही थी। तो इस चीज का वीडियो उस बंदे ने बना लिया और सोशल मीडिया पे एलोन मस्क को टैग करते हुए लिखा कि आपकी टीम को आप ये जरूर बताना चाहोगे कि आपके ऑटो पायलट सिस्टम को चांद किस तरह से चकमा दे रहा है। गाइस, वैसे तो एक टेक्निकल ग्लिच था लेकिन मेरा ये यकीन है कि टेस्ला की टीम इसका भी सोल्यूशन निकाल ही लेगी। गाइस, आपको ये सुनके कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। हमारी धरती के ज्यादातर हिस्सों में पानी है लेकिन पीने का पानी ना के बराबर है और अब जो बचा है वो भी धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है और उसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? इंसान खुद। लेकिन 85 साल के आबिद सूरती बाकी इंसानों से अलग हैं क्योंकि वो पिछले 12 सालों से पीने के पानी की एक एक बूंद को बचाने में लगे हैं। जी हाँ गाइज, आप ठीक सुन रहे हैं, उनके पास प्लम्बिंग का सारा सामान है और वो ये सामान लेके मुंबई में गलियों में घूमते रहते हैं। उन्हें जब भी कोई नल लीक करता दिखता है तो या तो वो उसे ठीक कर देते हैं या वो उसे बदल देते हैं। इसी तरह से उन्होंने पिछले 12 सालों में करोड़ों लीटर पानी बचाया है और यही वजह है जिसकी वजह से अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने उन्हें सम्मानित भी किया है। गाइज, आपको आबिद सूरती की ये पहल कैसी लगी कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। गाइज, आपने फेमस स्पोर्ट्स वियर कंपनी नाइकी के लोगों को तो जरूर देखा होगा लेकिन क्या आप लोग भी उन लोगों में शुमार हैं जो कि ये मानते हैं कि नाइकी का लोगो एक टिक मार्क है? नहीं, ये एक टिक मार्क नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि नाइकी कंपनी का पहले नाम BRS यानी कि ब्लू रिबन स्पोर्ट्स था लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर ग्रीक गोडेस ऑफ विक्ट्री के नाम पर नाइकी रख दिया गया था और ये गोडेस एक्चुअली अपनी स्पीड और अपने विंग्स के लिए फेमस थी और स्पीड और विंग्स को कंबाइन तौर पर स्वूश से दिखाया जाता है। तो ये सिंबल कोई टिक मार्क नहीं बल्कि स्वूश है। आयुष्मान खुराना कुछ ऐसे चुनिंदा एक्टर्स में से एक हैं जिन्होंने अपने दम पर बॉलीवुड में अपना एक मुकाम हासिल किया है और अंधाधुन में की गई उनकी एक्टिंग उनके करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस मानी जा सकती है जिसमें उन्होंने एक अंधे लड़के का किरदार निभाया है और इसे लोगों ने खूब सराहा भी था। पर ये ऐसे ही पॉसिबल नहीं हो पाया। अंधे लड़के का किरदार प्रोमिसिंगली निभाने के लिए उन्होंने कई दिनों तक कुछ ऐसे लेंसेज अपनी आंखों में पहने थे जिनसे उनका विजन वाकई में 80% तक कम हो गया था। इतनी सीरियसली अपने किरदार को निभाने के लिए उन्होंने मेहनत की थी और इसी वजह से लोगों ने इस किरदार को इतना पसंद किया था। बाय द वे, मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि अंधाधुन में आयुष्मान से पहले वरुण धवन को इस रोल के लिए अप्रोच किया गया था। क्या आपको यह लगता है कि वरुण धवन आयुष्मान की जगह इस रोल को इतना ही शिद्दत से निभा पाते? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और अगर आप किसी मुसीबत में फंस जाएं या फिर आपको कोई किडनैप करने की कोशिश करे, इन दैट केस आपके मोबाइल की एक सेटिंग आपकी जान बचा सकती है। क्या है वो सेटिंग और वो कैसे काम करती है, मैं आपको बताता हूं। वो सेटिंग का नाम है SOS यानी कि सेव और शिप। इसके लिए आपको मोबाइल की सेटिंग्स में जाना है और वहां पर जाके SOS को सर्च करना है और उसके बाद SOS के टोगल को ऑन करना है और उसके बाद अगर आप चाहें तो वहां पर कॉन्टैक्ट्स के ऑप्शन में जाके आपके रिलेटिव के कॉन्टैक्ट नंबर भी आप ऐड कर सकते हो जिनसे आप हेल्प की उम्मीद रखते हो। अब होगा कुछ यूं कि अगर आप मुसीबत में फंसते हो तो आपको आपके मोबाइल के पावर बटन को 3 बार दबाना है। इससे क्या होगा, इससे इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 112 और आपके रिलेटिव के नंबर पर जो नंबर आपने सेव किए थे वहां पर एक हेल्प मैसेज पहुंचेगा और साथ ही साथ आपकी लोकेशन भी उनके पास पहुंच जाएगी जिससे आपको मदद मिल सकती है और आपकी जान बचाई जा सकती है। गाइस, आपको ये टेक्निकल इंफॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।